जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज उन्हें एक बार आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप सबकी शिकायतों का निराकरण करने के लिए। आप मुझसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी आप लगन की बात करते हो, आप राशियों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते हो? तो आज मैं सबसे पहले राशियों के बारे में ही बोलना पसंद करता हूं। कैसे होते हैं कन्या राशि वाले, क्या पहचान है, कैसा व्यक्तित्व होता है कन्या राशि वालों का, तो आज जो हमारी चर्चा है उसका मेन फोकस राशियों का, कैसे होता है इनका व्यक्तित्व, कैसी होती है इनकी पर्सनैलिटी, कैसा होता है इनका चाल चरित्र कर्म और क्या होती है इनकी खासियत, उन सब की चर्चा है। एक एक बारीक से बारीक पॉइंट को आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका फायदा जो आपको होने वाला है वो ये होने वाला है कि गलती से अगर आपको अपना जन्म की समय, जन्म की तारीख या जन्म की राशि पता नहीं है तो अपनी व्यक्तित्व के आधार पर, हमारी इन खासियतों के आधार पर जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसके आधार पर बहुत आसानी से आपको पता चल सकता है कि आप किस राशि के हो। तो आज की इस चर्चा का जो बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है उसका केंद्र बिंदु है हमारी 12 राशियां और उनका व्यक्तित्व और उनका चरित्र। तो हम इन सब के बारे में चर्चा कर प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि और चीज के बारे में हमें बार बार शिकायत करते हैं कि गुरुजी हमारा राशिफल बता दो, गुरुजी हमारी राशि क्या है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे जब आपसे कहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के इस आइकन को दबाएंगे, जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है लेकिन बेल का आइकन नहीं दबाया तो दोबारा से वो हमारे बेल के आइकन को अवश्य दबाएं हमारे चैनल पर जाकर। तो निश्चित रूप से जब जब हमारा या गुरु रुक्मिणी का या स्वामी राज ऋषि का रोजाना का राशिफल, जो वो रोजाना राशिफल देते हैं, वो आपको अपने आप उसकी नोटिफिकेशन यानी उसके रिलीज होने की सूचना कि आज इतने बजे रिलीज हुआ है, जैसे ही वो रिलीज होगा आपके पास सूचना आ जाएगी और आप उसे अपनी फुर्सत के अनुसार उसको देख सकते हैं। हमारे आज तक आपको 3000 से अधिक वीडियो विभिन्न धार्मिक विषयों पर आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं और हमारा जो मेन फोकस है आपको अपने ज्ञान के द्वारा आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का है। कोई हम आपको किसी भी प्रकार की पूजा के लिए या पूजा के नाम पर होने वाली लूटपाट के लिए आमंत्रित नहीं करते हैं। हम तो आपसे कहते हैं कि हम जो कंसल्टेशन के लिए बहुत छोटी सी फीस जो आपसे ली गई है उसका इतना सदुपयोग होता है कि सबसे पहले तो वो कंसल्टेशन की फीस हमारे यहाँ जो है किसी को निजी रूप से नहीं दी जाती, उसका जो उपयोग है पूजा पाठ में, यज्ञ हवन में, प्रसाद वितरण में और विभिन्न जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं, जैसे हमारे द्वारा जो गरीब बच्चियों के लिए कंप्यूटर के कोर्स चलाए जाते हैं और उनके स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, उसमें भी उनका उपयोग होता है। तो आपके द्वारा जो हमें एक जो बहुत मामूली सी फीस हमें रखी हुई है उसका 1 रुपया भी हम अपने और अपने परिवार के भरण पोषण में खर्च नहीं करते हैं, तो आपको तो इस बात पर गर्व होना चाहिए। इसके अलावा भी आप जो हमसे बार बार शिकायत करते हैं कि गुरु जी फिर आप इस पैसे का उपयोग क्या करते हैं, तो हमने आपको बता रहे हैं हमारा ये मेन उपयोग है। इसके अलावा भी आप जो हमें कंसल्टेशन के नाम पर या हम कंसल्टेशन की बात करने के कारण जो हमें पैसा देते हैं वो मेन काम तो उसका पूजा में इस्तेमाल होता है, वो आपके लिए हम निश्चित रूप से अगले दिन पूजा करते हैं। अगर आज आपने हमसे ये कंसल्टेशन ली है तो निश्चित रूप से दुनिया इधर की उधर हो जाएगी लेकिन कल हम आपके लिए भगवान से अवश्य पूजा और प्रार्थना करेंगे, ये हम आपको वचन देते हैं और ऐसा हम उस दिन से करते चले आ रहे हैं जिस दिन से हम इस धर्म की लाइन में प्रवेश किया है हमने। तो आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि ये आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा यहां पर सदुपयोग होता है, उसका किसी भी रूप में
कोई भी दुरुपयोग नहीं किया जाता। दूसरा, हमारे जो स्वामी राज ऋषि जी हैं, उन्होंने आप सबके लिए अपनी पढ़ाई के बीच में से, जो वो एमटेक कर रहे हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, बहुत रेपुटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने बहुत मुश्किल से आपके लिए रोजाना का एक समय फिक्स किया है, उसमें वो आपके लिए डेली का राशिफल, आज का राशिफल, आपके सितारे रोजाना आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, और साथ में बहुत जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए वीडियो कॉल भी स्वामी राज ऋषि से बुक की जा रही है। आप चाहें स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन नंबरों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके या वेबसाइट के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपनी वीडियो कॉल, चाहे वो आप हमसे बात करना चाहते हैं या गुरु मुनि से बात करना चाहते हैं या स्वामी राज ऋषि जी से बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं। और इसके अलावा आपसे कहना चाहेंगे, हमने पिछले 2 हफ्ते से संडे के दिन जितने भी मोबाइल फोन है उनको उठाना बंद कर दिया है, तो कृपया आप जब भी कॉल करें हमें, सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कॉल करिए, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आपकी कॉल निश्चित रूप से उठाई जाएगी उस पीरियड में। लेकिन अगर आपको कॉल बिजी लग रही हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमने आपको 5 नंबर दिए हुए वीडियो कॉल करने के लिए, इन 5ों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन इतनी कॉल्स आती हैं कि बार बार फोन एंगेज आता है, ऐसी भी आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इस पर हम कोई भी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो हमें इन में से नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है, तो निश्चित रूप से उसके व्हाट्सएप मैसेज को रिप्लाई करने का हमारे द्वारा प्रयास किया जाता है। और जो व्यक्ति पर्सनली मीटिंग करना चाहते हैं संडे के दिन, बाकी किसी दिन करीब भी कर सकते हैं लेकिन स्पेशली संडे के दिन ही टाइम लेकर मीटिंग करना चाहते हैं, तो उनको केवल और केवल हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर 11 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कांटेक्ट करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे राशियों की व्यक्तित्व के बारे में, किस तरह की राशि वाले लोगों का किस तरह का व्यक्तित्व होता है। तो आज की जो हमारी सबसे पहली चर्चा है वह कन्या राशि वाले व्यक्तियों का चाल, चरित्र, क्रियाकलाप क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे आप अपने आप को कि आप कन्या राशि वाले हैं। तो इसके पहचानने के लिए आप एक एक बात को हमारे इस वीडियो के दौरान आखिरी तक सुनते रहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को पहचान सकें और आप निर्धारित कर सकें कि आपकी राशि क्या है। आप स्वतः ही आप अपनी राशि को निर्धारित कर सकते हैं इस व्यक्तित्व के द्वारा, जो आज हम आपको इन राशि के व्यक्तित्व के बारे में आपको खास बातें बताने जा रहे हैं। आइए हम चर्चा करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों की। ये ज्यादातर स्त्रीशील लज्जा से युक्त होते हैं, लज्जावान होते हैं, स्त्रियों की तरह लजाने वाले होते हैं। भीड़ भाड़ से दूर रहना, कोमल हाव भाव, कोमलता से भरे हुए मन, कोमलता से भरा हुआ शरीर और भीड़ भाड़ से दूर रहना पसंद करते हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पार्टियों में भी ये अक्सर अलग थलग ही नजर आएंगे। इनकी हर चीज देखने, जांचने और परखने की आदत होती है और उसी पर ये अक्सर नुक्ताचीनी भी करते रहते हैं। अपने किसी को अपना प्रेमी या प्रेयसी बनाने से पहले यह उसके गुणों की और अवगुणों की अच्छी तरीके से जांच परख करने के पश्चात ही उसे अपना प्रेमी या प्रेमिका डिक्लेयर करते हैं। हर समय विचारों में मग्न, चिंताशील, बुद्धिमानी से भरे हुए, व्यवहारिक रूप से भले और बुरे की पहचान करने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं कन्या राशि वाले लोग। और अक्सर देखा गया है इनके जीवन में 1-2 मुकदमे जरूर चलते हैं। यह लोग जो कन्या राशि वाले लोग हैं रोमांस के शौकीन नहीं होते, इसलिए इनके प्रेम संबंध भी कम होते हैं। और जो क्रोनिक बैचलर की जो सीरीज है, जो लोग जीवन में कभी किसी से शादी नहीं करते, प्रेम और रोमांस नहीं करते, वह लोग इसी सीरीज यानी कन्या राशि वाले लोग ही होते हैं, क्योंकि इनको कोई लड़का या लड़की शीघ्र पसंद नहीं आती। ये लोग ग्रामर को पसंद नहीं करते। हाँ, लड़की सभ्य, सुंदर सुंदर, लजीली, साफ सुथरे, सादे लिबास में हो तो इनको तुरंत पसंद आ सकती है। पसंद आने के बाद अथवा शादी के बाद ये लोग बहुत वफादार होते हैं,
इनकी संतान एक या दो ही होती है, देखने में बहुत सुंदर, बुद्धिमान, हर चीज की नाप तोल और परख करने के माहिर, बुद्धि से भरे हुए। जैसे हाथ पैर इनके कोमल, वैसे इनका मन भी बहुत कोमल होता है। ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति। आगे चलकर ये लोग कलाकार, मनोवैज्ञानिक, लेक्चरर, दार्शनिक, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, वकील, नेता, अभिनेता, सिंगर इत्यादि बनते हैं। यह लोग प्रशासन अथवा प्राइवेट सेवाओं में भी ऊंचे पदों पर पहुंचते हुए कम ही देखे गए हैं। असिस्टेंट के रूप में यह व्यक्ति बहुत सफल होते हैं तथा हर काम को सुचारू रूप से करने में माहिर होते हैं। यह लोग मेहनती होते हैं और इनको ओवरटाइम करने की आदत होती है ताकि शीघ्रता से यह काम खत्म कर सकें। इन लोगों पर कोई भी व्यक्ति आसानी से विश्वास कर लेता है और ये किसी के विश्वास को धोखा नहीं देते हैं। मगर ऑफिस और अपने साथी कर्मचारियों के बीच में यह लोकप्रिय नहीं होते। कन्या राशि की औरतें लचीली और घरेलू टाइप होती हैं तथा शादी से पहले यह प्रेम संबंध बनाने की इच्छा ही नहीं रखते। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आज के युग में किसी अच्छी स्त्री को, किसी चरित्रवान स्त्री को पाना चाहता है तो उसे जेन्युइनली अगर कन्या राशि की स्त्री मिले तो अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। खुले और हवादार मकान में रहना इन लोगों के लिए बहुत लाभदायक होता है। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को पेट की बीमारियों से बचकर रहना चाहिए। इनको फेफड़ों की प्रॉब्लम भी हो जाती है और जीवन साथी अगर इनको अच्छा ना मिले तो निराशा इनके जीवन में कूट कूट कर भर जाती है। ऐसे होते हैं कन्या राशि वाले व्यक्ति। कन्या राशि वाले व्यक्तियों का जो शुभ रंग है वह अंगूरी काफूरी रंग है। इनका जो शुभ नंबर है वह 5 है और इनका जो शुभ रत्न है वह 50 है। इन व्यक्तियों को अपनी सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ की, अपनी उम्र के और अपने वजन के अनुसार पन्ने की यानी एमराल्ड की अंगूठी को मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर अवश्य ही धारण करना चाहिए। किसी भी जो प्रीशियस जैम है, जो हम लोग जिसे प्रीशियस जैम बोलते हैं, जैसे रूबी है, नीलम है, पुखराज है, पन्ना है, तो इनकी अधिकतम जो आयु है मंत्र सिद्ध, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाने के पश्चात इन अंगूठियों की जो अधिकतम लाइफ होती है वह 3 वर्ष होती है। 3 वर्ष के पश्चात आपको नया पन्ना या नया रत्न खरीदकर अपने लिए बनवाना चाहिए, क्योंकि उसकी सारी जो पावर होती है वो आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है और 3 साल बाद ये आपको कोई भी फायदा देने में समर्थ नहीं होगा। जय शनिदेव।